तो ये देखो भाई अभी बोरा उठाएगा भाई जल, और देखते हैं कैसे चलेगा भाई इतना सारा जल लेके बोरा। भाई देखिए भाई फरीदाबाद के बाद बल्ला पकड़ जाएगा भाई बोरा, ये देख लो भाई है सिस्टम जाम कर दिया भाई बोरे ने। ये देखो भाई बिल्कुल सिस्टम जाम, रोड जाम, ये है भाई बोरे की शक्ति। भाई ये हमें अब बल्लभगढ़ के बोरे मिल गए भाई, अब इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे भाई कहाँ पे जाएंगे, कितना किलोमीटर पड़ेगा, कब इन्होंने जल उठाया, कितना लीटर जल उठाया, क्यों जल उठाया, क्या इनकी मनोकामना है, सारी डिटेल लेंगे भाई भाइयों से। और भाई ये बात करते हैं भाई कैसे क्या, अगर ये तीनों लेके जाएंगे या अकेला कोई बोरा लेके जाएगा, सारी चीज़ें भाई बोरों से बात कर लेते हैं। शंकर भगवान की जय। तो भाई जयकारा लगा दिया बोरा ने। हाँ जी। बोले नाम क्या होगा आपका? अनिल जी, अनिल। अनिल नाम है भाई बोरे का, और आपका बोरे? बोरा दीपांशु भाई, बोरा जतिन भाई। तीनों बोरे देख लो भाई, कभी खागड़ पड़े एक नंबर के भाई, खींच के ले जाए कावड़, आज कावड़ उठा दिया, आज तारीख भाई 29 जून। बोले कितने बजे उठाई कावड़? दो बजे के समय उठाई है, दो बजे के आसपास दोपहर में भाई बोरा ने उठाई है। और बोरा ने जैसे ही कावड़ उठाई, राम जी देखो भाई क्या माहौल बना दिया, बिल्कुल ठंडा भी अभी भाई, बिल्कुल तेज बारिश होकर रुकी है और बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया, इसलिए बोले भाई जाएंगे खिंचू खींच भाई कावड़ ने लेकर। बोड़े से पूछ लेते भाई इसमें जल कितना है, कितने कलश है, 6 कलश आपको दिखाई दे रहे होंगे भाई, 3 मंजिल बोड़ों ने बना रखी है, आप देख लीजिए बोड़े इसमें कितना जल होगा। बोड़े इसमें 71 लीटर गंगा जल है, ये दो 15-15 के, ये 10-10 के हैं बोड़े चार भाई, दो 15-15 के, दो 10-10 के भाई। और बोड़े ये 8 किलो इन 6 कलशा में टोटल वेट है, और बोले 3 किलो के 1.5 किलो के 2 स्टैंड है बोले भाई, ये स्टैंड भी है, और बोले इन लाठिया में अलग वजन है भाई, इनमें अलग वजन है। तो भाई टोटल मिला के 86-87 की पड़ जाती है, 86-87 भाई, मोटा मोटा 85 लगा के चलो भाई, 85 किलो की भाई कावड़ भाई बोले लेके जाएंगे। बोले ये बताओ आप जाओगे कहाँ पर, कितना किलोमीटर पड़ेगा? हमारा समथिंग पड़ेगा 278 करीब पड़ेगा, 278 किलोमीटर भाई बोले ये वाली कावड़ लेके जाने वाले। कितना और जगह का नाम? हमें ये पता पड़ता है बल्लभगढ़ के पास डीग गांव है, बल्लभगढ़ के पास डीग गांव, डीग गांव भाई। भाई यहाँ पर ये बोले जाएंगे ये कावड़ लेके भाई, देख लीजिए बोले तीनों लेके जाओगे एक लेके जाएगा, तीनों भाई साथ जाएंगे एक साथ, तीनों भाई भाई एक साथ लेके जाओगे नंबर वाइज है भाई, नंबर वाइज भाई बोले लेके जाएंगे एक दूसरे के सहयोग से भाई, बहुत ज्यादा लंबा सफर है भाई इनका। बोले रुकने का क्या इंतजाम रहेगा आपका? कोई दिक्कत नहीं, जहाँ मिलेगा कोई होटल पे उसमें कोई दिक्कत नहीं, जाओ होटल पे या कहीं पे जाओ कोई भी, हाँ कहीं साफ सुथरी जगह हो जाओ फिर भी भाई वहाँ पर रुक जाएंगे बोले, ऐसा कोई नहीं है पर्टिकुलर। आप तीनों ही हो और भी आपके साथ है? ना हम तीनों ही है भाई, ये तीनों ही बोले है, देख लीजिए इनकी श्रद्धा देख लीजिए भाई बोलो की। बोले खाने पीने का कैसे क्या रहेगा आपका? कोई नहीं भाई, अपने पैसे दिखाएंगे, पैसे फिलहाल लिक्विड, फिलहाल लिक्विड ज्यादा लेंगे भाई बोले भाई, क्योंकि वजन भी उठाना है। और बोले ये इतना सारा जल उठाने के लिए आपने कोई प्रैक्टिस करी है? हाँ भाई ने करी है, सबसे ज्यादा तो भाई प्रैक्टिस करी है, जिम विम मारा छोरा मनी चला गया 2 महीना, बढ़िया भाई सेहत बना रहा है, पिंडी पंडी छोरा सही बना रहा है एक नंबर की भाई। और बोले ये जल उठाने के लिए आपने क्यों सोचा, पहली बार है या पहले लेके जा चुके हो? जैसे कि पहली बार तो है, कई बार जब सारे उठा रहे तो हम भी उठा सकते है। अच्छा भाई, भाई बोले की श्रद्धा है, बोल बम, बोल बम, बम, बम। तो भाई बोले की श्रद्धा है, भाई ने उठाया भाई जल, बोले की भक्ति के लिए कोई मनोकामना? कोई मनोकामना नहीं भाई, अपने मन से भाई, अपनी मन की तसल्ली के लिए। शादी होगी बोले आपकी किसी? नहीं भाई, अभी बोले की शादी नहीं हुई है, बोला शादी कराओ, बढ़िया नौकरी लगवाओ भैया ने, सही बात है भाई। बोले इतनी मर्जी जो भी होगा, जो भी होगा भाई बोले की मर्जी होगी। बोले अभी तो ये देखो सीधा है, लेकिन जैसे जैसे चलेंगे भाई आप देखना, ये जो है ना बल्ली थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, मुड़ जाएगी और भाई झूलता हुआ जाएगा, ये वजन आपको अभी लग रहा है ये डबल हो जाएगा ये वजन। तो बोले की भाई ये शक्ति है जो बोले इसको इतनी दूर लेके जाएगी, और भाई मन में ठान रखी है। और भाई मेरा सभी होटल वालों से एक बार फिर से निवेदन है कि भाई जैसे भी आपको कोई बोरा दिखे भाई उनको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया करो, क्योंकि भाई इतनी दूर लेके जाएंगे कावड़, काफ़ी दिन का सफ़र है, तो भाई उनको थोड़ा सा मदद हो जाए और आपकी तरफ से थोड़ा सा धर्म हो जाए। गलत बात है बोले ना? ठीक है भाई, काफ़ी बोले हैं जो कि घर से इतना स्ट्रोंग नहीं होते हैं, कई बार किसी को होता भी नहीं है, किसी पे है भी नहीं भी है, उसकी मदद हो जाए तो ठीक है। सावन में तो बहुत सारे पंडाल लग जाएंगे, सावन में लग जाएंगे, अब का क्या,
अब इतने बोरे लेके जा रहे हैं, मेहनत कितनी लग रही है, अब कोई कुछ सुविधा नहीं है, मेहनत तो बहुत है जी। और अब कोई सुविधा भी नहीं है, अब कभी कोई सुविधा नहीं है। फिर जी 21 तारीख के बाद मिलेंगे शिविर जो मिलेंगे। हाँ 21 के बाद शिविर मिलेंगे, अभी कोई शिविर भी नहीं है भाई। बोले ने बिल्कुल सही बात कही भाई। बोले अपने घर वालों से पूछ के आए हो? घर वाले पूछ रहे हैं भाई, घर वाला की फुल सपोर्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। कई बोले होते हैं भाई बोले के नाम पर, कोई दिक्कत नहीं, अपनी दो तीन गाड़ी आ जाएंगे रास्ते में भी, दो तीन गाड़ी भी आ जाएंगी भाई। बोले का पूरा ग्रुप है, एक नंबर का सिस्टम बना के चल रहे बोले, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई। बहुत बढ़िया भाई बोले, बोल शंकर भगवान की जय। अब बोले भाई काउड उठाएंगे और आपको दिखाएंगे भाई कैसे ये जल उठाया जाता है और कैसे भाई इतना जल लेके चला जाता है। अब आप देखना भाई, चलो भाई बोले उठाओ जल, उठाओ भाई, और भाई जयकारा लगाइयो साथ साथ, बोल शंकर भगवान की जय। ये देखो भाई ऐसे बोले चलते हैं भाई, इतना जल लेके ऐसे चलना पड़ता है पैर जमा के। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है भाई कि कोई भी उठाए और चल पड़े भाई। ये देखो बोला चलता हुआ भाई, पैर जमा के बिल्कुल आराम आराम से भाई, काफी दूर जाना भाई बोले को, बल्लभगढ़ के बोले है भाई ये, और इतनी दूर भाई कावड़ लेकर जाएंगे। तो अगर आप भी कावड़ लेकर आना चाहते हो तो भाई देख लीजिए, आपको ऐसे आना पड़ेगा और ऐसे आपको चलना पड़ेगा भाई। इतना दम लगता भाई कावड़ लेके चलने में, इतनी दूर भाई कावड़ लेके जाएंगे बोले। और भाई गंगा जल है ये जो आपको कलश में दिखाई दे रहा होगा बोले, भाई मेरे से भी तेज चल रहे हैं, खींचू खींच बिल्कुल। ये कलश देख, तो भाई ये कलश देख लीजिए, ये कलश आपको लेने पड़ेंगे अगर आप कावड़ लेने आओगे तो। और भाई ये कम्बल वगैरह बांधने के लिए, रस्सी वगैरह, बल्ली वगैरह सारी चीज़ खरीदनी पड़ेगी। और भाई ये चीज़ अगर आप हरिद्वार से खरीदोगे तो आपको महंगी भी पड़ेगी, जैसा कि मैंने और बोड़ों से भी पूछा है। अब इन बोड़ों से भी भाई पूछ लेते हैं इनकी क्या राय है। बोले ये आपने यहाँ से खरीदे या वहीं से आपने? भाई अपने वहीं बल्लभगढ़ से खरीदे भाई, बल्लभ 3,500 रुपए के, 3,500 के कल से। अच्छा हाँ, ये दो नंबर का कल सा है, जो एक नंबर का है वो मिलते हैं छोटे वाले 1,200 रुपए के दो। तो यार काफी महंगा सामान है, फिर भी हमारे की अपेक्षा भाई देख लीजिए। ज्यादातर जो भी अपना कल सा खरीदे सामान खरीदे, अपना सामान अपने वहीं से लाए, वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा उससे भाई, उससे आपके ज्यादा पैसे बचेंगे। पैसे बचेंगे यहाँ से, ये डंडे खरीदे हैं और ये रस्सी, यहाँ से डंडे और रस्सी खरीदे और ज्यादा कुछ सामान नहीं है। तो भाई अपने कलश अगर आप वहाँ से लेके आओगे तो बार बार कह रहे हो आपको सही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, दुकानदारों ने इसको अपना एक बिजनेस बना लिया है, कावड़ी आते हैं कमाते हैं, तो भाई सही रेट पे नहीं दे रहे हैं। तो आप ध्यान रखो, वहाँ से खरीद कर लाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप लेने आने वाले हो कावड़ तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए आप कब आओगे और कौन से वाली कावड़ आप लेके जाना चाहते हो, कलश कावड़, झूला कावड़ या डाक कावड़, कौन सी कावड़ आप लेने आओगे भाई फटाफट कमेंट करके बता दो। और भाइयों की वीडियो भाई शेयर कर दियो, कमेंट कर दियो हर हर महादेव के नाम से। मिलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एक जयकारा लगा देते हैं, बोल शंकर भगवान की जय। बहुत बढ़िया भाई बोले, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, सभी बोलो से भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। तो भाई बोलो ये थी हमारी एक और धमाकेदार कलश कावड़ की वीडियो, और भी वीडियो अभी आती रहेगी तो चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए।